अस्सलामुअलैकुम, बड़ों को सलाम, बच्चों को प्यार। मैं आपका भाई अमीन कादरी एक दफ़ा फिर आज 12वीं शहरी हो गई, 12वीं शहरी की दिन है आज, 12वीं की रात है। इंशाल्लाह आज मैं अभी जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास, तो देखते हैं अगर कहीं सही शहरी के लिए गए या ऐसे ही चुपटक मटक, हमारी मेमनी जबान में बोलता है कटक मटक कर लूदा, तो कटक मटक कुछ करेंगे तो फिर आपको बताएंगे इंशाल्लाह, दिखाएंगे। कल नहीं परसों के ब्लॉग में इंशाल्लाह आपको ये वीडियो में डालूंगा, क्योंकि मेरी कुछ 2-3 वीडियो बैलेंस पड़ी हुई है, समझे ना, 2 वीडियो बैलेंस पड़ी है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि कल अपलोड हो जाए, तो अगर वो अपलोड हो गई तो फिर ये आपको नेक्स्ट मिलेगी इंशाल्लाह। तो उसकी वजह ये है कि मेरे घर पे 12वीं 11वीं शरीफ का प्रोग्राम था, 11वां रोज़ा इफ्तार कराया, सहरी कराई बच्चों को, इसकी वजह से टाइम नहीं मिल सका। थकन भी बहुत लग गई थी और रोजे में काम होता नहीं, एडिटिंग वगैरह में आंखें बंद हो जाती हैं। तो बहरहाल इंशाल्लाह बने रहिए हमारे साथ, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको आगे दिखाते हैं। आज देखो ये हम आ चुके हैं रफीक नारा साहब के पास, इनके दरबार में हाजिर हो गए, तो इंशाल्लाह अभी देखते हैं कहाँ ले जाते हैं हमको आज। हाँ तो रफीक भाई नाशा भी नहीं रहा, किधर नहीं रहा रफीक भाई, हम भी लोग सलाम अलैकुम अजन प्रो वाले बड़े खैरियत से होना है ऐसा उम्मीद है। जी जी हां, गेट नारियो कैमरे तरफ ही आज ऐसा पहली मर्तबा जो है अमीन भाई के साथ जो है व्लॉग बनाने निकली आई हूं। व्लॉग हो तो अमीन भाई है, व्लॉग हो तो होय तो अच्छा ठीक है। ऐसा इनका निकली रही है जो है ना, चाय पराठा खेलने करी रहे अमीन भाई, ऐसा इन्हीं ने विनी दिया गुरु मंदिर थे कोई असान जो पठान इन जो बहुत मशहूर कंजुल ईमान थे मस्जिद के नीचे कोई इमदादुल्ला कोई पीन चावारा तो उड़ासा विनी रही हूं। इमदाद जो पराठो के इमदाद जो पराठो यारो केर केर इमदाद करे तो इन कम में असान जी असान जी साथ केर केर बैठो है और जो असान इंग्लिश अमीन भाई ना असान जी मोहम्मद फारूक कादरी साहब ही ना साइन साथ वहां से बैठा है देखा ही है ने अभी जो नाम मोहम्मद रफीक तारा असान बस इधर इंशाल्लाह हरवाने घर से निकले हैं जो चलो आ गया वेनो ता चाय पीऊ ता पछि आई से गाल करू ता बिल्कुल गाल करू ता इसे। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं, जैसा कि आपने देखा आज हमारा ब्लॉग मेमनी और उर्दू मिक्स है, हम लोग जा रहे हैं इमदाद चाय वाले के पास चाय पराठा खाने। अच्छा तो अब हम लोग जा रहे हैं चाय पराठा खाने के लिए इमदाद के पास कंजुल ईमान मस्जिद, मैं और रफीक भाई और हमारे फारूक कादिर साहब बैठे हैं हमारे साथ, इंशाल्लाह फिर वहाँ जाके मिलते हैं। चलो पहुँची जाऊँ इमदाद हुसैन जो चाय के अड्डे थे कंजुलीमान मस्जिद से पा पुजी भी आई पुजी भी आई ये चुना थी ना रफीक भाई पुजी भी आई। ये इमदाद इमदाद फास्ट फूड इमदाद वाले जो है, ये इमदाद के चाय की दुकान है, ये देखो इमदाद हुसैन खड़ा हुआ है। इमदाद हुसैन क्यों मुंह छुपा रहा है भाई, दुनिया जानती है तेरे को, कोई नया आदमी है क्या भाई? हम पुराना आदमी है, पुराना बेटे यार बेटे चाय भाई पराठे बना रहा है भाई, इसके साथ ये आलू का पेस्ट लगा हुआ है, ये इनके सारे रोल पड़े हुए, ये आलू वाले पराठे बने हुए रखते हैं। इमदाद हुसैन फास्ट फूड गुरु मंदिर कंजुलीमान मस्जिद के पास, नया नाम बाबरी चौक, बेहतरीन पराठे हैं और पुराने रेट में आज तक। थोड़ा वीडियो यार तू, अबे तू इतना बड़ा कोई आलिम पाजी लो गया क्या यार?
उसमें मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। आपको तो कुछ नहीं मिलेगा लेकिन हमारा कुछ ले जाओगे क्या? बाहर भी देखो अच्छी रौनक है, चाय भी माशाल्लाह जबरदस्त होती है, और ये हमारे यहाँ पे आदिया भी देता है, आदि चाय भी मिलती है, आइडियल बर्गर वाला भी है, बार सिटिंग भी है, और ये पुल है सामने आज का ऑफिस, आज टीवी रिपोर्टर। चाय आ गई है रफीक भाई की माशाल्लाह, रफीक भाई चाय पियेंगे। ये रफीक भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, काका सुवाइन था, काका बहु माशाल्लाह सुवाइन था नारी गिनो। गरम पराठो ने चाय लगाया। ये देखें अमित भाई, ये मैं इस पराठे को जो है ना अभी कागज में दबा कर दबा दो इसको, इसमें आपको पता चलेगा कितना ये घी और कोलेस्ट्रॉल होता है, सब निकाल दिया, गर्म भी बहुत है अभी बिल्कुल। और ये देखें जनाब, इसको अभी मैंने ये पराठा हटाया है, ये हालत है, ये देखें, ये माशाल्लाह एक पराठे में कितना घी, एक किलो घी डाल दिया, ऐसा लग रहा है कि गुजरा वाला के पहलवान जो है वो कराची में आ गए, गुजरा वाला के पहलवान जो है कराची में आ गए सारे, सही है ना। तो अब हमारे भी चाय पराठा आ गया, हमने भी निचोड़ लिया है भाई पहले, समझे, रफीक भाई बिगड़ निचोड़े खाने नहीं देते ना खाते, कोलेस्ट्रॉल फ्री कर दिया है ना भाई। ऐसा रोज ना आचना थी, ऐसा आएंगे भी मशहूर देना थी कि रोज ना आचो, महीने में हफ्ते में जड़े दिल दिए अकड़ी आधी दफा चक्कर लगा, इस चीज रोज कहती ना होनी देखाड़ी तो रिया, लेकिन ये भी आएंगे साथ साथ बता रही रहा हूँ भाई। ये देखो चाय के पैसे हमने दे दिए, 500 का नोट दिया था, 250 रुपये वापिस आ चुके हैं, और 250 रुपये वापिस आने के बाद जो है ना हमने हिसाब बताया आपको कि 50 रुपये की चाहिए और 50 रुपये का पराठा है, 100 रुपये में एक आदमी आराम से पेट भर के सेविंग कर सकता है नॉर्मल से। दूसरा ये है कि अगर आप आजकल जो टॉप 10 रैंकिंग पर वीडियो चल रही है सऊदिया के पराठे की, तो वो 2 रियाल में एक पराठा, एक चाहे पाकिस्तानी पराठा, पराठा भी ऐसा रोटी की तरह हमारा लिए बेस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क फिर भी सबसे बेहतरीन सस्ता है इस वक्त भी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान। इसके साथ ही हम चलते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके भाई अमीन कादरी को तो इजाज़त, अल्लाह अपोजिट ब्लू रिबन बेकरी। सुलेमान मस्जिद के पास पुराने रेट में आज तक, अगर तू इतना बड़ा कोई आलिम फाजिल हो गया क्या यार, इसमें मेरे को कुछ नहीं मिलेगा।